ये देखिए कोई भी झटका नहीं, थोड़ा सा भी झटका नहीं महसूस होगा। थर्ड गियर में लग गया, अभी थर्ड से फोर्थ लगाएंगे। देखिए कम समय के अंदर थ्रॉटल को कम करना है एंड क्लच को टू फिंगर से जितना अंदर तक आता है, मतलब हैंडल बार के साथ टच नहीं कराना है, जितना अंदर तक आता है उतना अंदर तक लाइए। एंड उसी वक्त जो है आपको पैर जो है, मैंने पहले ही बता दिया, पैर को आपको गियर लीवर के नीचे थोड़ा सा हल्का प्रेस करके ही रखना है, बस देन जो है आपको सही टाइमिंग पे उसको ऊपर की तरफ प्रेस कर देना है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग? आई होप के सब बढ़िया होंगे। मैं आपका दोस्त मिलन माझी एक बार फिर से वेलकम करता हूँ माझी मोटो ब्लॉग के एक और नए वीडियो में। दोस्तों बहुत सारे ऐसे बंदे हैं जो कि कमेंट कर रहा है कि गियर शिफ्टिंग को लेकर जो नया नया बाइक चलाना सीख रहे हैं उसके साथ प्रॉब्लम क्या हो रहा है, जब गियर शिफ्टिंग करने जा रहे हैं तो वो स्मूथली गियर शिफ्टिंग नहीं कर पा रहे हैं। कुछ बंदे कमेंट कर रहे हैं कि मेरा बाइक जो है जब कोई दूसरा चलाता है तो गियर में से कोई भी नॉइज़ नहीं आता, गियर जो है स्मूथली शिफ्ट हो जा रहा है, लेकिन जब मैं गियर शिफ्टिंग करने जा रहा हूँ तो क्या हो रहा है, गियर में से बहुत ज़ोर से आवाज़ आता है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, क्या दिक्कत हो रहा है आपके साथ जिसके वजह से आप स्मूथली गियर शिफ्टिंग नहीं कर पा रहे हो? इसके पीछे रीज़न दोस्तों यही है कि आप जो है थ्रॉटल क्लच एंड गियर का जो कॉम्बिनेशन है वो सही तरीके से नहीं कर पा रहे हो। दोस्तों मेरे चैनल में जो है ऑलरेडी बाइक में गियर शिफ्टिंग कैसे करना है इसके रिगार्डिंग जो है 3-4 वीडियो मैंने दे दिया है, लेकिन आज मैं आप लोगों को प्रैक्टिकली जो है दिखाऊंगा कि किस तरीके से जो है 3 चीज़ों का कॉम्बिनेशन करना है, थ्रॉटल क्लच एंड गियर, जिसके थ्रू जो है आप स्मूथली गियर शिफ्टिंग कर पाओगे। सो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बाइक राइडिंग, बाइक मेंटेनेंस, बाइक मॉडिफिकेशन से रिलेटेड वीडियोज हमारे चैनल में रेगुलरली आता रहता है। स्पेशली अगर आप बाइक राइडिंग सीख रहे हो, न्यू बाइक राइड सीख रहे हो, तो उसके लिए जो है मेरे चैनल में बहुत सारा वीडियो पड़ा हुआ है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को पूरा देखिए, पूरा देखने के बाद वीडियो अच्छा लगता है वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सो देखिए दोस्तों, हमें स्मूथली गियर शिफ्टिंग सीखने से पहले ये चीज़ हमें समझना होगा थियोरेटिकली कि जब हम गियर शिफ्टिंग करते हैं तो इंजन के अंदर होता क्या है। ठीक है, देखिए दोस्तों जब हम बाइक को स्टार्टिंग में फर्स्ट गियर में दे के छोड़ते हैं, ठीक है, बाइक फर्स्ट गियर में धीरे धीरे चलने लगता है एंड देन जब हमें और भी ज़्यादा स्पीड की ज़रूरत होती है तब हमें अप शिफ्टिंग करना पड़ता है। सो क्या होता है, अगर हम फर्स्ट गियर में बाइक को स्लो स्लो चला रहे हैं उस वक्त भी इंजन जो है बहुत ज़्यादा तेज़ी से घूम रहा है, इंजन जो है 2000 या फिर 2500 के RPM में चल रहा है, उस वक्त भी इंजन जो है बहुत ज़्यादा तेज़ी से घूमता है। और अगर इंजन तेज़ी से घूम रहा है, एक गियर में एंगेज है, मतलब फर्स्ट गियर में एंगेज है, सो सेकेंड गियर में एंगेज हमें करना है, तो उस वक्त अगर हम इंजन को फ्री नहीं करेंगे तो क्या होगा, जो मैकेनिकल प्रॉब्लम है वो क्रिएट हो जाएगा और फर्स्ट गियर में से सेकंड गियर में एंगेज होने में प्रॉब्लम होगा, मतलब एंगेज नहीं होगा। आप चाहे जितना भी कोशिश कर लो, अगर आपका RPM हाई है, आप थ्रॉटल डाउन नहीं करते, आप अगर क्लच प्रेस नहीं करते, इंजन को फ्री नहीं करते, तो आप गियर शिफ्टिंग नहीं कर पाओगे। ठीक है, सो बेसिकली जब हम एक गियर से दूसरे गियर में शिफ्टिंग करते हैं तो क्या करना होता है, सबसे पहले तो हमें थ्रॉटल को डाउन करना होता है, मतलब इंजन का जो RPM है वो कम करना होता है। ठीक है, सेकंड चीज़ हम क्या करते हैं, हम क्लच को दबाते हैं, जिससे वजह से क्या होता है, जो गियर बॉक्स है वो इंजन से अलग हो जाता है, मतलब थोड़ा सा गैप क्रिएट होता है इंजन के अंदर, क्लच प्लेट्स के अंदर। सो इस वजह से क्या होता है, इंजन फ्री हो जाता है एंड एक प्रॉपर कंडीशन बन जाता है इंजन के अंदर एक गियर से दूसरे गियर में शिफ्ट करने के लिए। इसी तरीके से हर बार जब हम गियर शिफ्टिंग करेंगे तो इंजन का जो RPM है वो हमें कम करना होता है, थ्रॉटल को कम करके एंड नेक्स्ट चीज़ जो है क्लच को प्रेस करके इंजन को जो है अलग करना होता है, इंजन को फ्री करना पड़ता है। ठीक है, सो ये तीनों जो चीज़ें हैं, ये तीनों चीज़ें बहुत ही कम समय के अंदर करना पड़ता है, मतलब थ्रॉटल डाउन, क्लच प्रेस एंड गियर अप शिफ्टिंग, ये तीनों चीज़ जो है, ये तीनों का कॉम्बिनेशन जो है वो हम लोग सही टाइमिंग के साथ कर नहीं पाते, जिसके वजह से हमें गियर शिफ्टिंग में प्रॉब्लम दिखाई देता है। सो चलिए बाइक को स्टार्ट करते हैं और चलते चलते ये चीज़ आप लोगों को समझाते हैं। सो देखिए बाइक को मैंने फर्स्ट गियर में स्टार्ट कर लिया, बाइक जो है हल्का हल्का स्पीड में चल रहा है। ठीक है, देखिए बाइक अभी जो है 3000-3200 के RPM पे चल रहा है। सो अगर इससे भी ज़्यादा स्पीड में हमें चलाना है, बाइक अभी 13 के स्पीड में चल रहा है, सो अगर हमें बाइक को इससे भी ज़्यादा स्पीड में चलाना है तो हमें गियर अप शिफ्ट करना पड़ेगा। तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें इंजन का जो RPM है वो कम करना होगा, बहुत ही थोड़े समय के लिए, मतलब थ्रॉटल को हमें कम करना होगा एंड देन जो है इंजन को अलग करने के लिए गियर बॉक्स से हमें क्लच को प्रेस करना पड़ेगा एंड देन इमीडिएटली गियर को जो है एक बार ऊपर की तरफ प्रेस करना होगा ताकि जो है वो सेकेंड गियर में लग जाए। सो चलिए ये चीज़ हम करते हैं। देखिए एकदम मिली सेकंड के अंदर ये टाइमिंग करना है, सबसे पहले थ्रॉटल डाउन देन क्लच प्रेस देन अप शिफ्ट, थ्रॉटल डाउन क्लच प्रेस अप शिफ्ट, ये देखिए इजीली सेकंड गियर में लग गया। अब आपको हड़बड़ाने की जरूरत नहीं, आप इजीली क्लच को रिलीज करो एंड धीरे धीरे बैक टू थ्रॉटल, मतलब थ्रॉटल पे वापस आओ, हल्का हल्का थ्रॉटल देते जाओ। देखिए अभी जो है बाइक सेकंड गियर में चल रहा है,
सेकंड गियर में 20 के स्पीड में चल रहा है, ठीक है, थोड़ा सा स्पीड बढ़ाते हैं और जब इंजन में से आवाज़ आने लग रहा है मुझे और स्पीड भी भगाना है तो आपको अप शिफ्टिंग करना है, तो उस वक्त फिर से जो है आपको सही सेम चीज़ रिपीट करना है, थ्रॉटल को बहुत ही कम समय के लिए कम करना है एंड उसी वक्त जो है आपको क्लच प्रेस करना है एंड देन इमीडिएटली आपको गियर अप शिफ्ट करना है। ये तीनों चीज़ों का टाइमिंग देखिए, चलिए सेकेंड गियर में है और ये मैंने 25 का स्पीड कर लिया, थ्रॉटल डाउन, क्लच प्रेस, गियर अप, इजीली थोड़ा सा भी आवाज़ नहीं आएगा। एक्चुअली होता क्या है, गियर को जब हम अप शिफ्टिंग करते हैं तो पैर की तरफ देखिए मेरा, सो इस तरीके से नहीं, गियर लीवर के नीचे आपको पैर रखना है, पैर रखना है हल्का सा ऊपर की तरफ पुश करके रखना, हल्का सा बस, ठीक है। जब भी आप थ्रॉटल डाउन करके क्लच प्रेस करोगे उस वक्त जो है आपको ऊपर की तरफ क्लिक कर देना है, कम से कम साउंड आएगा गियर में से। सो चलिए देखिए थर्ड गियर में है, हमें फोर्थ गियर में लगाते हैं। सो देखिए मैंने जो है गियर लीवर के ऊपर पैर रखा है, गियर लीवर के नीचे पैर रेडी करके रखा है एंड थ्रॉटल डाउन किया, क्लच प्रेस किया एंड फोर्थ गियर में लगा दिया। देखिए कम से कम आवाज़ देखने को भी लगे, इस तरीके से अगर गियर शिफ्टिंग कर दो स्मूथली गियर शिफ्टिंग हो जाता है, ठीक है। एंड अभी बात करेंगे दोस्तों कि क्लच को हमें कितना प्रेस करना है, ये भी जो है बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहा है कि जब हम गियर शिफ्टिंग करते हैं तो क्लच को हमें कितना प्रेस करना होता है। सो देखिए दोस्तों, जब हम गियर अप शिफ्टिंग करते हैं थ्रॉटल एंड क्लच का अगर प्रॉपर कॉम्बिनेशन कर पाते हो, ठीक है, एक टाइमिंग पे कर पाते हो, सो उससे क्या होगा, आपको पूरा का पूरा क्लच दबाने की कोई भी ज़रूरत नहीं, ठीक है। क्लच देखिए मैं किस तरीके से कर रहा हूँ, क्लच जो है दो उंगली से करोगे अगर तो बेटर होगा, तीन उंगली से भी कर सकते हो, कुछ कुछ लोग चार भी उंगलियों से करते हो, ये मैटर नहीं करता कि आप कितने उंगली से करते हो। दो उंगली से बेटर क्यों होता है, क्योंकि बाकी दो जो फिंगर है उससे आप हैंडल को अच्छी तरीके से ग्रिप कर पाते हो। सो टू फिंगर से करो, कोई दिक्कत नहीं, कम समय के अंदर ये दोनों चीज़ करना है। तो मुझे फुल क्लच जो है एकदम बिल्कुल इसके साथ टच करने की कोई ज़रूरत नहीं, टू फिंगर से जितना आता है, जितना अंदर तक आता है उतना ही एनफ हो जाता है। देखिए आप दोनों तरफ ध्यान दीजिए मेरे हाथों की तरफ, ये देखिए इजीली फिफ्थ गियर पे लग गया, फोर्थ गियर पे लग गया, अभी देखिए फिफ्थ गियर पे लगाएंगे, फोर्थ गियर पे लग गया, थ्रॉटल को बहुत ही कम समय के लिए छोड़ेंगे एंड क्लच को जस्ट जितना अंदर तक आ सकता है, टू फिंगर से जितना अंदर तक आ सकता है उतना अंदर तक लाएंगे एंड गियर शिफ्टिंग करेंगे। देखिए थोड़ा सा भी बाइक इसमें झटका नहीं लगेगा, कुछ भी नहीं लगेगा, ये देखिए फिफ्थ गियर में लग गया। देखिए मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, ये देखिए फिफ्थ गियर में लग गया, ठीक है। एक बार फिर से मैं एकदम फर्स्ट गियर से लेकर फिफ्थ गियर तक आप लोगों को दिखा देता हूँ। सो देखिए बाइक जो है फर्स्ट गियर में स्लो स्लो चल रहा है, सो अभी हम सेकंड गियर में लगाएंगे। तो ये देखिए गियर शिफ्टिंग के टाइम आप जल्दी जल्दी क्लच को दबाओ, लेकिन छोड़ने के टाइम आप स्लो छोड़ो थोड़ा सा, सो बाइक में कोई भी झटका नहीं लगेगा। देखिए सेकंड गियर में लगा दिया, अभी सेकंड से थर्ड लगाएंगे, ये देखिए कोई भी झटका नहीं, थोड़ा सा भी झटका नहीं महसूस होगा, थर्ड गियर में लग गया, अभी थर्ड से फोर्थ लगाएंगे। देखिए कम समय के अंदर थ्रॉटल को कम करना है एंड क्लच को टू फिंगर से जितना अंदर तक आता है, मतलब हैंडल बार के साथ टच नहीं कराना है, जितना अंदर तक आता है उतना अंदर तक लाइए एंड उसी वक्त जो है आपको पैर जो है मैंने पहले ही बता दिया, पैर को आपको गियर लीवर के नीचे थोड़ा सा हल्का प्रेस करके ही रखना है, बस देन जो है आपको सही टाइमिंग पे उसको ऊपर की तरफ प्रेस कर देना है, ठीक है। चलिए फिर से एक बार करते हैं, फोर्थ गियर में है, फिफ्थ गियर में लगाते हैं, यह देखिए फिफ्थ गियर पे लग गया, इजीली कोई भी झटका नहीं लेगा, ठीक है। सो आशा करता हूँ दोस्तों आप लोगों को प्रॉपरली समझ में आ गया होगा किस तरीके से क्लच थ्रॉटल एंड गियर का कॉम्बिनेशन करके स्मूथली गियर शिफ्टिंग करना है ताकि कोई भी आवाज़ वगैरह आप लोगों को देखने को ना मिले। सो चलिए दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं, वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।